आईपीएल के 13वें सीजन का नवा मैच राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच आज शारजहां में खेला जाएगा। पिछले 5 मुकाबले में पंजाब ने राजस्थान को 4 बार शिकस्त दी है। वहीं 2014 में शारजहां में ही दोनों टीमों का आमना सामना हुआ था, जिसमें पंजाब ने राजस्थान को 7 विकेट से हराया था। लीग में ये पंजाब का 3रा और राजस्थान का 2रा मैच होगा। पंजाब ने 1 मैच जीता और 1 में उसे हार मिली है। वहीं राजस्थान ने अपने पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था। पिछले मैच की तरह इस मैच में भी राजस्थान को संजू सैमसन और पंजाब को कप्तान लोकेश राहुल से काफी उम्मीदें होंगी। बेंगलुरु के खिलाफ राहुल ने शानदार 132 रन की पारी खेली थी। ये लीग में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले ऋषभ पंत ने 128 रन की नाबाद पारी खेली थी। इस मामले में क्रिस गेल सबसे ज्यादा रन बना चुके हैं, उन्होंने 175 की नाबाद पारी खेली थी। राजस्थान में कप्तान स्मिथ 12.5 करोड़ और संजू सैमसन 8 करोड़ रुपए कीमत के साथ सबसे महंगे प्लेयर है। वहीं पंजाब में कप्तान लोकेश राहुल 11 करोड़ और ग्लेन मैक्सवेल 10.75 करोड़ रुपए कीमत के साथ सबसे महंगे प्लेयर है। राजस्थान और पंजाब के बीच आईपीएल में कांटे की टक्कर रही है। दोनों के बीच अब तक 19 मुकाबले खेले गए हैं। राजस्थान ने 10 और पंजाब ने 9 मैच जीते हैं। आईपीएल का पहला खिताब 2008 जीतने वाली राजस्थान रॉयल्स ने लीग में अब तक 148 मैच खेले हैं, जिसमें 46 जीते हैं और 70 हारे हैं। वहीं 2 मुकाबले टाई रहे। वहीं अपने पहले खिताब का इंतजार कर रही पंजाब ने अब तक 178 मैच में 43 मैच जीते हैं और 95 हारे हैं। इस तरह लीग में रॉयल्स की जीत का सक्सेस रेट 51% और पंजाब का 46% रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्योदय।